नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मालवा डायरी में। दोस्तों, हाल ही के दिनों में 1983 वर्ल्ड कप पर बनी एक बॉलीवुड फिल्म 83 आई है, जिसका निर्देशन कबीर खान ने किया है। इस फिल्म ने मौका दिया है कि आइए एक बार फिर हम इस ऐतिहासिक वर्ल्ड कप में भारत के सफर को देखें। दोस्तों, 1983 का प्रूडेंशियल कप, जो कि वनडे क्रिकेट का तीसरा वर्ल्ड कप था, पहला तथा दूसरा वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। 9 जून से 25 जून 1983 के बीच खेला गया यह वर्ल्ड कप इंग्लैंड तथा वेल्स में आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 8 टीमों ने क्वालिफाई किया था, जिनके बीच 27 मैच खेले गए थे। इस वर्ल्ड कप में चार चार टीमों के दो ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें से हर ग्रुप में से दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली थी। ग्रुप ए में इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड तथा श्रीलंका होते हैं। ग्रुप बी में वेस्ट इंडीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया तथा जिम्बाब्वे होते हैं। फिर सेमीफाइनल में टीमों के बीच नॉकआउट मुकाबला होना था, जिसमें से जीतने वाली टीमें अंतिम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। इस वर्ल्ड कप में एक साथ एक ही समय पर कई मैच होते थे। कुछ ब्रॉडकास्टिंग संबंधित मुद्दों के कारण इस वर्ल्ड कप का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ था। अब देखते हैं इस वर्ल्ड कप में भारत के सफर को। ग्रुप बी के अपने पहले मैच में इंडिया ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज को 34 रनों से हराकर सबको हैरान कर दिया। यह वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की पहली हार थी। 1975 तथा 1979 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज एक भी मैच नहीं हारा था। इंडिया ने अपने दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को आराम से 5 विकेट से हरा दिया। अब अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ जैसे 320 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की टीम मात्र 158 रनों पर सिमट जाती है और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 162 रनों से जीत जाती है। अपने तीसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने इंडिया को 66 रनों से हरा दिया। इसमें मेलकम मार्शल की एक बॉल से दिलीप वेंगसरकर घायल होकर रिटायर हर्ट हो जाते हैं। चौथे मैच में टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रहती है। मात्र 17 रनों पर भारत के 5 खिलाड़ी को जिम्बाब्वे की टीम आउट कर देती है। फिर भारत के कप्तान कपिल देव आते हैं तथा 175 रनों की धुआंधार पारी के बल पर भारत के स्कोर को 266 रनों तक पहुंचा देते हैं। इस मैच को भारत 31 रनों से जीत जाता है। अब पांचवा मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाला होता है, जो कि यह निर्णय करने वाला होता है कि सेमीफाइनल में इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जाएगी। भारत के 247 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 129 रनों पर आउट हो जाती है, जिसमें मदन लाल और रॉजर बिन्नी ने 4-4 विकेट लिए थे। अब ग्रुप बी से वेस्ट इंडीज तथा इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और उधर ग्रुप ए से इंग्लैंड तथा पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। 22 जून 1983 को ओल्ड ट्रैफर्ड में पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और भारत के बीच खेला जाता है। इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करता है। भारतीय बॉलिंग अटैक इंग्लैंड को 213 रनों पर ऑल आउट कर देता है, जिसमें कपिल देव ने 3, मोहिंदर अमरनाथ तथा रॉजर बिन्नी ने 2-2 विकेट लिए थे। जवाब में टीम इंडिया 54.4 ओवर में ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, जिसमें यशपाल शर्मा के 61 तथा संदीप पाटिल के 51 रनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वहीं 22 जून को दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और पूर्व वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज का मुकाबला ओवल के मैदान पर होता है। वेस्ट इंडीज की टीम टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग का मौका देती है। पाकिस्तान की टीम 60 ओवर में सिर्फ 184 रन 8 विकेट खोकर बना पाती है, जिसमें मेलकम मार्शल ने 3 तथा एंडी रॉबर्ट्स ने 2 विकेट लिए होते हैं। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम मात्र 2 विकेट खोकर ही लक्ष्य प्राप्त कर लेती है, जिसमें सर विव रिचर्ड्स की धुआंधार 80 रनों की पारी होती है। अब इस वर्ल्ड कप को अपने दोनों फाइनलिस्ट इंडिया तथा वेस्ट इंडीज मिल जाते हैं। दोनों टीमों के बीच 25 जून 1983 को फाइनल मैच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाता है। फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल की तरह ही टॉस जीतकर सामने वाली टीम को पहले बैटिंग का मौका देती है और इस इनिंग में भी
पहले बैटिंग करने वाली टीम यानी टीम इंडिया मात्र 183 रन बनाकर 54.4 ओवर में ऑल आउट हो जाती है। वेस्टइंडीज की घातक तेज गेंदबाजी आक्रमण जिसमें एंडी रॉबर्ट्स, मेलकम मार्शल, गार्नर और माइकल होल्डिंग जैसे बॉलर होते हैं, इंडिया की बैटिंग को बहुत कड़ी चुनौती देते हैं, जिसका सामना कृष्णमाचारी श्रीकांत जो कि 38 रन तथा मोहिंदर अमरनाथ 26 रन बनाकर कुछ हद तक सामना करते हैं। अब इंडिया को यदि यह मैच जीतना था या यूं कहें अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना था तो इंडिया को बहुत कसी हुई बॉलिंग के साथ वेस्टइंडीज के विकेट भी लेने थे। उस दिन लॉर्ड्स की कंडीशन स्विंग बॉलरों को फेवर कर रही थी जिसका फायदा भारत के बॉलर्स ने उठाया और पूर्व विश्व विजेता वेस्टइंडीज को मात्र 140 रनों के स्कोर पर ऑल आउट कर विश्व कप अपने नाम कर लिया। मोहिंदर अमरनाथ तथा मदन लाल ने टीम इंडिया के लिए 3-3 विकेट चटकाए। मोहिंदर अमरनाथ की ने आखिरी गेंद पर जो माइकल होल्डिंग का विकेट लिया उसे कौन भूल सकता है। कपिल देव का वह वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हुए दृश्य आज भी सभी भारतीयों की आंखों में चमकता है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ थे जिन्होंने 3 विकेट तथा 26 रनों का योगदान किया था। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के डेविड गोवर ने बनाए थे तथा सबसे ज्यादा विकेट इंडिया के रॉजर बिन्नी ने लिए थे। आइए जाते जाते एक नजर डालते हैं इस विश्व विजेता टीम के ऊपर।